पढ़ेंगे ईमेल के बारे में। ईमेल, ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसको शॉर्ट में हम लिखते हैं ईमेल। ईमेल का यूज हम करते हैं मैसेजेस को भेजने के लिए और रिसीव करने के लिए इंटरनेट के थ्रू। जो ईमेल है वो क्या होता है, नॉर्मली एक मैसेज प्लेटफॉर्म में होता है जिसके अंतर्गत टेक्स्ट, फाइल, इमेज या अदर अटैचमेंट वगैरह है ना, वो नेटवर्क के थ्रू भेजी जाती है किसी भी स्पेसिफिक पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्संस को। जो ईमेल मैसेजेस है वो यूजली इनकोड किए जाते हैं ASCII टेक्स्ट में। इसकी फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। जो ईमेल है ये पहली बार यूज किया गया था, ठीक है, इंटरनेट पे, और आज के टाइम में भी ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अगर आप ईमेल भेजना चाहते हो या रिसीव करना चाहते हो तो आपके पास एक ईमेल अकाउंट और ईमेल एड्रेस होना जरूरी है। अगर आप किसी को ईमेल भेजना चाहते हो तो उस पर्सन का जिसको आप ईमेल भेजना चाहते हो उसका भी आपके पास ईमेल एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। तो अब बात आती है कि ईमेल एड्रेस दिखता कैसे है। जैसे किसने एग्जांपल दिया, support@samsungcare.com आपकी भी ईमेल आईडी होगी, ठीक है। आप जो चलाते हो फोन में, आजकल कोई भी हमें फॉर्म अप्लाई करना हो तो हम ईमेल मांगी ही जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोर्ट तो हो गया उस यूजर का नाम, ग्रुप का या कोई भी ग्रुप ऑफ डिपार्टमेंट या कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एट द रेट मतलब एट, जो डिवाइड कर रहा है डोमेन नेम को और यूजर नेम को, और ये होता है हमारा डॉट कॉम वाला डोमेन नेम। तो फर्स्ट पोर्शन है सभी ईमेल एड्रेस में जो ना जो सिंबल एट द रेट है उससे पहले होता है, इसमें यूजर या ग्रुप का नाम होता है, ठीक है। जो सपोर्ट होता है मतलब जैसे एग्जाम्पल के लिए जो सपोर्ट है इसमें वो क्या है, मतलब टेक्निकल सपोर्ट डिपार्टमेंट एट सैमसंग कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट है एट द रेट, ये डिवाइडर होता है ईमेल एड्रेस में, ठीक है, और इसके लिए मतलब हर प्रकार की जो भाई हमारी ईमेल एड्रेसेस होती है उसमें चाहिए, ठीक है। स्विच मोड ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब है हमारे पास फाइनली जो samsung.com है वो हमारा है डोमेन नेम, ठीक है, जो यूजर से बिलोंग करता है। फिर इसमें बता रखा है .com ये टॉप लेवल डोमेन होता है, ठीक है। फिर इसने इसके बाद हमें बता रखा है कि जो ईमेल है उसके हमने तीन पार्ट देखे, और ये हमारी SMTP या फुल फॉर्म लिख सकते हो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। फिर इसने बता रखा है कि ईमेल के हमने तीन पार्ट देखे हैं, क्या क्या, एक तो ईमेल एड्रेस में जो यूजर नेम है वो, देन एट द रेट का सिंबल, फिर उसके बाद है हमारे पास डोमेन नेम। फिर देखो यहाँ पे इसने एग्जांपल दिया है कि ये एक ईमेल एड्रेस था किसी का vpin.barbar@gmail.com, तो ये पूरा हो गया हमारा यूजर नेम, ये एट का सिंबल हो गया, और ये हो गया डोमेन नेम। जैसे वेब मेल प्रोवाइडर है याहू मेल, हॉटमेल, जीमेल हम मोस्टली यूज करते हैं, हमारे पास ये मिलेगा फोन्स में। आज के टाइम में टॉप 3 वेब मेल प्रोवाइडर हैं याहू, माइक्रोसॉफ्ट हॉटमेल एंड गूगल जीमेल, ठीक है। ये पॉपुलर हैं जो अलो करते हैं कि हम चूज कर सकते हैं कि ईमेल अकाउंट कहीं से भी इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। हम वेब मेल को एक्सेस कर सकते हैं हमारी मोबाइल के डिवाइसेस पर भी। अदर जो ईमेल प्रोवाइडर है तो इसमें देखो बहुत सारे जो लोग होते हैं वो यूज करते हैं, मतलब उनके भी ईमेल एड्रेस होते हैं जो होस्ट की जाते हैं उनके कंपनी, स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। भाई आप कहीं काम करते हो तो उस ऑर्गेनाइजेशन का भी एक ईमेल एड्रेस मिलता है जो प्रोफेशनल पर्पज के लिए यूज होता है। जैसे हरियाणा गवर्नमेंट का बता है www.https://www.haryana.gov.in, ठीक है। मतलब आप देखते हो कि जो भी हमारे डोमेन नेम होते हैं उसमें कुछ जैसे .com था अभी ईमेल में, वैसे ही हमारे पास जैसे जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके लास्ट में .gov.in होता है, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं स्कूल वगैरह उनके लास्ट में .edu होता है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के .mil, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो बिना प्रॉफिट मोटिव से काम करती है उनके होता है .org। अब बात आती है कि ईमेल के हमारे पास क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो ईमेल ऑफलाइन एंड ऑनलाइन टेक्स्ट ड्राफ्टिंग में हेल्प करती है, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग में, ठीक है, स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक करने में, अपेंडिंग सिग्नेचर या बिजनेस कार्ड, मतलब आप इसमें सिग्नेचर साइन कर सकते हैं डॉक्यूमेंट पे, और जिसका जो URL होता है, URL मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वो क्लिकेबल होता है, ड्राफ्ट के रूप में, टेक्स्ट के रूप में सेव कर सकते हो, फाइल्स को अटैच कर सकते हो, ये वीडियो ऑडियो मैसेजेस को भी सपोर्ट करता है, जो डाटा है उसकी डिलीवरी को शेड्यूल करता है कभी भी, मतलब एक टाइप से कहें तो ये 24x7 अवेलेबल होता है।
ठीक है, ईमेल अलर्ट देता है, रिमाइंडर, मेल बॉक्स मैसेजिंग, ऑटो फॉरवर्डिंग ईमेल, फिल्टर, इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं आपको, स्पैम रिडक्शन का भी मिलता है। ठीक है, आप कितनी भी पुरानी ईमेल को चेक कर सकते हो, आपको कभी भी आप किसी से भी बात कर सकते हो और एक साथ आप बहुत सारे लोगों को ईमेल भेज सकते हो, मतलब बहुत सारे बेनिफिट या फीचर बता सकते हो, ऐसे कमियां भी बता सकते हो कि भाई एक टाइम पे रिप्लाई नहीं मिलता, जैसे आपने मेल भेजी वो पर्सन चेक करे ना करे, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ जरूरी मेल है वो स्पैम बॉक्स में भी चली जाती हैं। अब है एक ईमेल को लिखना, इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि एक ईमेल को कैसे लिखते हैं। पहले हम लॉगिन करेंगे ईमेल अकाउंट में, उसके लिए हम यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे। तो हमारे सामने एक स्मॉल विंडो अपीयर होगी, ठीक है, जिसमें बहुत सारे फील्ड होंगे जो मतलब ईमेल को भेजने के लिए यूज होते हैं। फिर हम क्या करेंगे, जो कंपोज बटन होता है उस पे, जैसे आपको एक पेंसिल का ऐसे साइन सा दिखता है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे ईमेल लिखने के लिए। फिर जो टू फील्ड होता है वो होता है जहाँ पे जो ईमेल एड्रेस है उस पर्सन का लिखते हैं जिसको हम मेल भेज रहे हैं, और फ्रॉम में आपका ईमेल एड्रेस होता है। अगर आप रिप्लाई करते हो तो टू और फ्रॉम ऑटोमेटिक फिल हो जाते हैं, लेकिन अगर आप कोई नया मैसेज लिखते हो तो आपको टू मतलब रेसिपिएंट का एड्रेस वगैरह डालना पड़ता है। ठीक है, अगर एक से ज्यादा रेसिपिएंट का नाम डाल देते हो मतलब एड्रेस, तो उसे ग्रुप ईमेल बोलेंगे, और इसमें हर किसी के एड्रेस को कोमा से एंड स्पेस से आपको टैब की प्रेस करके अलग करना होगा। ठीक है, फिर इसने बता रखा है कि जब ईमेल हम भेजते हैं किसी को तो एक सब्जेक्ट होता है जिसमें फ्यू वर्ड्स में डिस्क्राइब होता है कि भाई जो ईमेल है वो किस चीज के बारे में है, आप क्या टॉपिक भेज रहे हो। ठीक है, ये ईमेल के बारे में बता देता है बिना ईमेल को ओपन किए हुए, बिना फुल ईमेल को पढ़े हुए, ऊपर से यहाँ भाई इस टॉपिक में हमारे पास मेल आई है। अब इसमें कुछ मतलब शॉर्टकट फॉर्म्स होती है, जैसे सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, ठीक है, अलाउ करती है कि आप स्पेसिफाई कर सकते हो रिसिपिएंट्स को, ठीक है, जो डायरेक्ट एड्रेस ही ना हो। एग्जाम्पल के लिए आप एड्रेस करते हो एक ईमेल, जैसे जेफ नाम है या लिंडा को एंड स्टेवन को, तो ये जो मतलब है ना उन सभी को इसकी कॉपी मिलेगी। जैसे आप देखते हो व्हाट्सएप पे हम फॉरवर्ड करते हैं तो लिखा होता है ना फॉरवर्ड मैनी टाइम्स, मतलब वो बार बार फॉरवर्ड हो चुका है, ठीक है, हर कोई देख सकता है कि भाई किस किस को भेजी गई है। जबकि बीसीसी में क्या होता है कि इसमें भी आप बहुत सारे लोगों को भेज सकते हो, लेकिन क्या होता है रिसिपिएंट्स को ये उनके सामने ये सीक्रेट रहता है कि कितने और लोगों को ये भेजी गई है। ठीक है, फाइनली मतलब ईमेल लिखने के बाद हम सेंड बटन पर क्लिक कर देते, जैसे ये मेल लिखी थी और यहाँ पे सेंड बटन पे इसने क्लिक कर दिया। ये ऐसे बता रखा है बोल्ड इटैलिक वगैरह अंडरलाइन वगैरह हमें करना हो तो। अब अटैचमेंट का यूज करने का मतलब होता है फाइल या इमेजेस अटैच करना। आप ईमेल में ना कोई भी पीडीएफ वगैरह फाइल वगैरह फोटो वगैरह अटैच करके भेज सकते हो। अटैचमेंट इन जीमेल ये फाइल और इमेजेस होती है जो इंक्लूड करती है विद योर ईमेल मैसेज। यहाँ ये है ना सिंपल गाइड होती है कि कैसे हमें यूज करना है। देखो अटैचमेंट भेजने के लिए क्या करेंगे, हम एक नई ईमेल को कंपोज करेंगे, हम जीमेल ओपन करेंगे, कंपोज बटन पर क्लिक करेंगे ईमेल लिखने के लिए। अब अटैच फाइल पर क्लिक करेंगे, ऐसे ऑप्शन होता है, ठीक है, फिर जो बॉटम होता है कंपोज विंडो का उस पर क्लिक करेंगे। फाइल अटैच करने के बाद फिर वही सेंड कर देंगे। ये देखो इसमें से हमने चूज किया है, जो भी फाइल हम भेजना चाहते थे वो चूज करेंगे, अटैच करेंगे एंड भेज देंगे। और आप ऐसा करने के बाद मैसेज लिख भी सकते हो, ऐसे रिसीविंग एंड डाउनलोडिंग है, जब आपको कोई ईमेल मिलती है तो आप उसको खोलोगे, खोलने के बाद जो भी अटैचमेंट है उसके ऊपर क्लिक करोगे, उसमें डाउनलोड का ऑप्शन होगा तो आप फिर डाउनलोड अटैचमेंट के ऊपर क्लिक करोगे। सोशल मीडिया जो एक मिक्सचर है टेक्नोलॉजी का, नाम से ही क्लियर है, सोशल मतलब सोसाइटी से जो हमें लिंक करे, जब हम लोगों को जाने उनसे बातचीत करें, ये एक सोशल इंटरेक्शन होता है कम्युनिकेशन के पर्पज के लिए, जैसे कि ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन, पिनट्रेस्ट वगैरह। सोशल नेटवर्किंग ग्रुपिंग है इंडिविजुअल्स की स्पेसिफिक ग्रुप्स में, लाइक स्मॉल रूरल कम्युनिटीज, नेबरिंग सब डिविजन्स, ठीक है। अल्तो जो सोशल नेटवर्किंग है वो पॉसिबल है लोगों के बीच में, वर्क प्लेस में, यूनिवर्सिटीज में, हाई स्कूल्स वगैरह में, और ये ज़्यादातर हम कहाँ देखते हैं, हाई स्कूल्स में, कॉलेज में, वर्क प्लेस वगैरह में, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमें बताया गया है। फिर इसके बाद भाई हर जगह मतलब आज के टाइम में हम देख रहे हैं सोशल मीडिया का हाइक है, हर कोई सोशल मीडिया को यूज़ कर रहा है। अब कहते हैं कि ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग की तरफ आ गए हैं, जो वेबसाइट है वो कॉमनली यूज़ की जा रही हैं, उसमें आते हैं हमारे पास व्हाट्सअप, इंस्टा, ठीक है, फेसबुक, ये आप देखते हो हर कोई इंटरेस्ट लेके यूज़ करता है, लोगों को जानता है, अपने व्यूज शेयर करता है, उनसे बातचीत करता है, अपनी हॉबीज़ के बारे में बताता है, ठीक है। एक बार आपको एक्सेस मिल जाते है किसी भी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट की तो आप वहाँ पे सोशलाइज करना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। इसमें भाई लोगों के प्रोफाइल पेजेस पढ़ना, ठीक है, अदर मेंबर्स के कॉन्टेक्ट करना, उनके साथ ऐप्स के नाम बता रखे हैं, ठीक है।
तो ये आप समझ सकते हो। फिर आप इन ऐप्स के पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हो अगर भाई आपके सामने बड़ा क्वेश्चन आता है तो। अब है ब्लॉग्स। ब्लॉग्स मतलब भाई एक डायरी की तरह होते हैं कि जब लोग अपने ब्लॉग पेजेस वगैरह पब्लिश करने लग जाते हैं, एक ऑनलाइन जर्नल की तरह होता है, इन्फॉर्मेशन वेबसाइट की तरह होता है जो इंडिविजुअल ग्रुप्स, ठीक है, जो भी कॉरपोरेशंस वगैरह हैं वो रेगुलरली रन करती हैं, ठीक है, किसी भी टॉपिक के ऊपर। ये प्रेजेंट करता है इन्फॉर्मेशन को रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एंड ये रिटर्न होता है इनफॉर्मल एंड कन्वर्सेशनल स्टाइल में। अब है ब्लॉग को लिखना, तो सब स्टेप यही है। सबसे पहले ओपन करो ब्लॉगर आपके ब्राउजर में, क्रिएट योर ब्लॉग पर क्लिक करो, ठीक है, इसका आप यूज करोगे। और हमारे ब्राउजर में नेविगेट करो https://www.blogger.com, ठीक है, /www.com, ठीक है, तो ये एक एड्रेस होता है। फिर प्रेस करो एंटर एंड रिटर्न करो अपने कीबोर्ड पर, नोट करो ब्लॉग स्पॉट या अब ब्लॉगर, ठीक है। फिर है साइन इन करो अपने गूगल अकाउंट पे। गूगल अकाउंट जरूरी होता है अगर आप ब्लॉगर मतलब भाई ब्लॉग वगैरह करना चाहते हो, अगर गूगल अकाउंट नहीं है तो क्रिएट करो उसको। फिर साइन इन करो अपने गूगल अकाउंट में, फिर ब्लॉगर को यूज करो, ठीक है। तो देखो इसने नाम बताया ब्लॉग का, क्या नाम, आप टाइटल क्या देना चाहते हो, फिर नेक्स्ट, तो धीरे धीरे स्टेप्स आती रहेंगी, ठीक है। फिर एंटर करो ब्लॉग का टाइटल, जो भी आप नाम देना चाहते हो अपने ब्लॉग को, ये जो नाम होगा ये डिस्प्ले होगा टॉप पे आपके ब्लॉग के, कि भाई किस चीज के बारे में आपका ब्लॉग, जैसे कि इसने बता दिया। फिर इसके बाद आप सारी और एड्रेस वगैरह डालते हो, फिर ब्लॉग का एड्रेस डालते हो एड्रेस फील्ड में, ठीक है, जो मतलब स्टार्ट करते हो टाइप करना URL एड्रेस यूज करने के लिए आपके ब्लॉग को। आपका जो URL होता है एक वेब एड्रेस होता है, मतलब इज द वेब एड्रेस यूजर जो पुट करता है इनटू देयर ब्राउजर टू एक्सेस योर ब्लॉग। जो अवेलेबल URL है वो शो करते हैं, ठीक है, शो अप ऑन द ड्रॉप डाउन लिस्ट में, जैसे जैसे आप टाइप करते हो नीचे जाते जाते हो इंडिकेट, अलग अलग ऑप्शन आते जाते हैं। फिर इंटर डिस्प्ले नेम एंड क्लिक फिनिश। और इफ़ यू हैव नेवर यूज, अगर आपने पहले कोई ब्लॉगर यूज़ नहीं किया गया है तो आप प्रॉम्प्ट होते हैं, मोटिवेट होते हैं इंटर करने के लिए डिस्प्ले नेम अपने प्रोफाइल में, ठीक है, फिर आप ब्लॉगर डैशबोर्ड पर जा सकते हो। अब डिजी लॉकर, ये एक ऐप है आज के टाइम में मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स NIT मतलब मैटी के द्वारा लाई गई थी इंडिया, जो हमारे इंडिया का डिजिटल प्रोग्राम था उसको प्रमोट करने के लिए। डिजिटल लॉकर का एम है डिजिटल एम्पावरमेंट को प्रोटेक्ट करना, ये ना अलग अलग जो भी हमारे डॉक्यूमेंट है उन तक हमें एक्सेस पहुँचाते हैं। और आज के टाइम में कॉलेज लेवल पे हर बच्चे को क्यों पता है, क्योंकि आपसे ABC ID बनवाई गई है जिसे फुल फॉर्म बोलते हैं अकेडमिक बैंक क्रेडिट, ठीक है, अपार भी बोल देते हैं। इसमें क्या है कि भाई आपसे ये ID बनवाई गई है, इसका यूज आपके एग्जाम फॉर्म वगैरह फिल करने के लिए यूज किया जाता है। इस ID में एक नंबर होता है, एक डिजिट होता है। और क्या होता है कि जैसे जो ये ID है भाई, ये जो डिजी लॉकर है, ये आपके जहाँ भी आप पढ़ रहे हो उसके अकॉर्डिंग कनेक्ट होता है। आप पता चल जाता है कि आप करंटली कितनी डिग्री कर रहे हो, कहाँ कहाँ पे कितना पढ़ चुके हो, क्योंकि आधार का इसमें यूज होता है, ठीक है। तो डिजी लॉकर एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म होता है स्टोरेज के लिए, शेयरिंग के लिए, वेरिफिकेशन के लिए। तो इसमें स्टेप्स क्या क्या हैं, विजिट करो डिजी लॉकर वेबसाइट पर, आप इसको ना प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। आप क्लिक करो साइन अप ऑप्शन पे, अपना फुल नेम डालो, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नेम वगैरह, ठीक है, आधार नंबर का आप यूज करो और एक सिक्योरिटी पिन भी एंटर करो, मेंशन करो ईमेल ID, एंटर करो पिन, मतलब ऐसा हो जो कोई मतलब गैस ना कर पाए, 12 डिजिट का आधार नंबर डालो, है ना, इसमें एंटर करो 12 डिजिट का आधार नंबर। और एक तो OTP का ऑप्शन होगा, एक फिंगरप्रिंट का, ठीक है, जो आप चाहो कर सकते हो यूज। स्टेप में प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ये प्रॉम्प्ट करेगा कि आप क्रिएट करो एक यूजर नेम पासवर्ड वगैरह, फिर क्लिक करो साइन अप बटन पे और अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, फिर आप अपना डैशबोर्ड वगैरह देख सकते हो। अब स्टेप क्या है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए, यहाँ पे कि साइन इन करने के बाद क्लिक करो अपलोड डॉक्यूमेंट पे, फिर आप अपलोड कर सकते हो एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट एक टाइम पर भी, ठीक है। आफ्टर यू क्लिक ऑन द अपलोड टैब, आप चूज कर सकते हो लोकेशन एंड सेलेक्ट कर सकते हो फाइल जहाँ पे आप अपलोड करना चाहते हो। जैसे जैसे आप सेलेक्ट करते हो फाइल को, क्लिक करो ओपन ऑप्शन पे, ठीक है, आप एक साथ बहुत सारे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर सकते हो। क्लिक करो सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप पर, ठीक है, फिर सेलेक्ट करो एनी डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड इन द अपलोडेड डॉक्यूमेंट लिस्ट, फिर क्लिक करो सेव बटन पे, तो ये हमारा ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने का प्रोसेस पूरा हो जाता है। थैंक यू।